स्वागत है सबको, राम राम, जय हिंद। आज हरियाणा के करीब 30 लाख नौजवानों की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। हरियाणा में अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे पुलिस है, ग्रुप डी से लेकर पीएन से लेकर जज तक की एचपीएससी भर्ती करती है, एचएससी भर्ती करती है, 30 लाख बालक, नौजवान साथी, 30 लाख छोरे छोरियां पेपर देखते हैं। 30 लाख नौजवानों की सरकार ने फिरकी बना रखी है। मैं आपको जानकारी जो दूंगा, आज अभी रिमांड पूरा हुआ है नील नागर का, जिस दौरे 2 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको जानकारी दे देता हूं, अनिल नागर ने 2 हरियाणा सरकार के मंत्री और 2 बहुत बड़े अधिकारी रिमांड में बताई है कि ये लोग भी शामिल थे, लेकिन ये सरकार आपको नहीं बताएगी ये चीज। 2 मंत्री और 2 अधिकारी इस पूरे कांड में शामिल थे। 2016 की बात है, हमने इन भर्तियों के ऊपर सवाल उठाया था, अगर भाई इसमें गड़बड़ है, जो उस टाइम पे चेयरमैन लाया था ना, उस टाइम पे भारती भूषण जो चेयरमैन लगाया था, उसके हमने आरटीआई से डॉक्यूमेंट निकलवाए थे, उसके मेंबरों के डॉक्यूमेंट निकलवाए थे, उनमें भाई साहब फोटो भी ना ला रखे थे, किसी ने तो डेट भी पाछे पर रखी थी, अप्लाई का जो टाइम था वो न्यारा था। और जो मुख्यमंत्री ईमानदारी का मोड़ बांध के घूमे है, उसको कही थी हमने कि यार गड़बड़ होने लग रही है, ये एचपीएससी एचएसएससी में गड़बड़ होने लग रही है, बहुत बड़े लेवल पे। एचएससी में भी कुछ कर्मचारी पकड़े गए थे, आप लोगों को जरूर ध्यान होगा, ऑफिस के भीतर 2 करोड़ रुपए है क्या? किसी की हिम्मत नहीं, कोई अफसर 2 करोड़ रुपए ले लेगा या कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। ई वो था गया, जब था जा, जब कोई बात उठा है तो वो कहे हैं मुख्यमंत्री कह दे, अरे बोला पिछले उसमें तो बोला पर्ची खर्ची चल रहा करती, हुड्डा सरकार में बताओ है, अरे पिछले उसमें पर्ची खर्ची चल रहा करती, थारी सरकार है, पकड़ लो आड़े है, हुड्डा की जा है बाज के ठाक गेर होने जेल में हिम्मत है ते गेर दो, पर्ची खर्ची चल रहा थी थारे में तो छूट के साल गया भाई, चाहे पर्ची खर्ची चल रही थी चाहे छूट के साल है। नौजवान जो बालक है उनके साथ पूरे हरियाणा में ये धोखा हो रहा है। कितनी भर्ती हैं, संस्कृत टीचर, इंग्लिश टीचर, ड्राइंग टीचर हटा दिए, पीटीआई हटा दिए, उन नवीन कहेंगे हम एडजस्ट करेंगे, और अलग अलग डिपार्टमेंट में वोकेशनल टीचर हैं, कंप्यूटर टीचर हैं, सारे देश मतलब सारे हरियाणा में डीसी रेट भर दिया, वो डीसी रेट का सारा शारीरिक मानसिक हर तरह का उनका शोषण होने लग रहा है बेचारा। 5 लाख पद खाली है हरियाणा में अलग अलग डिपार्टमेंट में, 5 लाख। और एक अगर हरियाणा पुलिस की भी भर्ती होती है उसमें भी 10 लाख बालक आवे हैं, फार्म भरे हैं, जितनी भी भर्तियां सारे के पेपर आउट। अरे न्यू मेरा पट्टा ना, पेपर आउट हुआ कितना था, छीन चाल कितना रहा था, जो सरकार अपना ढिंडोरा पीटा थी। अब हम तो एक तो ये कहे हैं भाई मुख्यमंत्री ने कहा बड़ा ईमानदार है, तो ईमानदार है देखते हुए 2 मंत्रियों के नाम बता दे जो उसने रिमांड में बताए हैं, और न्यू बतावे हैं करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का बताया उसने हिसाब किताब है। जब एक दिन में आदमी 2 करोड़ रुपये बनावा है तो कितने होंगे, 100 कम होंगे मेरे ख्याल में। उसने जो नाम लिए हैं जिन लोगों के, अगर ये सरकार ईमानदार है तो बता दो सब कैसा मी उसमें बताओ है, भाई सीटें खाली छुड़वा दे थे, मतलब सीट खाली छुड़वा दो, पेपर में पेपर खाली छोड़ दो, अरे इनके सूटकेस भर दो, नौकरी लग जाओ भाई। या मैं तो कहता हूँ ना, या सारा मन ने मेरे दौरे 3-4 दिन हो गए, इतने बड़ा कहीं फोन आया कि भाई साहब इतना बुंडा हाल हो रहा है, ये और पार्टी वाले हैं, ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक दिन अखबार में देते हैं, और कुछ होता नहीं। तो भाई मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसलिए करना रहा हूं बताना था ही, आगामी आगे क्या करेंगे। और ये इसलिए कि हरियाणा के जो नौजवान है, जो बेचारे पड्डे हैं, उनकी कति दुर्गति कर रखी है, कदे पेपर आउट हो जाए, कदे कैंसल हो जाए, जिसका कैंसल हो जाए फिर वो फिर तैयारी करो,
किसी का सब कुछ हो जा है, उसने ज्वाइनिंग नहीं करवाते, किसी का हाईकोर्ट में टक जा है। अरे की बना रखे, की ड्रामा बना रखे, सरकार चलाओ, की चला रहे हो, सरकार है सरकार से की रहे हो। इस सरकार ने मतलब एक चीज कहने है, पीछे नहीं होया करता, पीछे नहीं होया करता। आधे भाई साहब आधे दबल खांगे रस्ते टूट लिए, जिनके ब्याह फाइनल हो लिए थे। अरे ये पिछले आपने तो याद होगा, धनखड़ साहब अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था बीजेपी की सरकार बनवा दो, रंडा ही नहीं रहने दूंगा किसी ने, कही थी कि नहीं कही थी। 7 साल हो गए सरकार ने, 7 भी ब्याह करा दिए हो तो बता दो। पेपर आवे उसमें पूछा कुंवारा कौन है मंत्री, ये तो पेपर सेट कराया करता एक भला इसका चेयरमैन कौन है, वे नुए पूछे ना उनका पानी मारा ना, ये इनके भी पूछ ले, इसके भी पूछ ले, क्या क्वेश्चन है कि तो सिलेबस है नहीं पता। हरियाणा का पेपर में पैटर्न दे दिया, उसका सिलेबस है नहीं के ब्रैकेट कित के क्या मैं पूछ ले। जो हालात हो रही है हरियाणा की, 30-35% बेरोजगारी दर कदे भी नहीं हुई, इतनी बेरोजगारी दर हो रही है, और उसके कारण क्राइम, उसके कारण नशा, नौजवान बालक है, एनर्जी है भाई, एनर्जी कितने की देता लाते कि क्या करना है। तो ये सरकार जिम्मेदार है ना, नौकरी ला दो भाई, नौकरी दे दो, 5 लाख थोड़े ना होते, 5 लाख पद खाली है, 5 लाख खाने तो एडजस्ट कर दो कम तक हमें, फिर करेंगे चुनाव आओगा, चुनाव तो 6 महीने पहले फिर काट देंगे सारी वैकेंसी, फिर लोग नहीं सोचेंगे अगर कितना एडजस्टमेंट हो जाए तो। जिन गया गलत फहमी है, बहम है कि ईमानदारी, तो भाई मैं उस दिन 26 तारीख ने शुक्रवार रेट लिस्ट लेने जाऊंगा चेयरमैन साहब के पास, सरकार के पास, अगर भाई रेट बता दे, पीएन तो लेकर जज दाएंगे थारा कितने कितने, ताकि हम भी इतने लोग हैं, इतने साथी हैं, वे सब नुगा हैं, अगर भाई साहब उड़े दे रेट बने हैं तो किले कहले बकवाओ, किसे प्लॉट बकवाओ, नौकरिया पता तो चल जाओ। जब यो ये काम करना आता सरकार ओपन में करे, बता दे भाई डी ग्रुप का है यो रेट, हरियाणा पुलिस का यो, पटवारी का यो, मास्टर का यो, जज का यो। अरे HPSC मतलब न्यू मालिक जो सिविल सर्विस है, IAS लग गए हैं, वो देश के लिए है, ये हरियाणा के लिए थी परीक्षा उसके जब न्यू सेटिंग हो लग गए हैं तो यार हद की बात हो रही है, मतलब गजब की बात हो रही है। अरे कम होते हैं पाछली सरकार, अरे पाछली सरकार है इस सरकार में, तुम हो पकड़ लो पाछला ने, सारे ने पकड़ो, कौन नट्टे किसी ने मना कराया गए, थरे में दम में कौन है, थरे बस किए कौन है। तो साथियों जितने भी अलग अलग ये पेपर हुए हैं 25-30 इनके सारे में जिसकी भी है हम तनु का है अख भाई, एक तो इनकी सारे की उड़े, एक वह संपत्ति की जांच होनी जरूरी है जितने भी मेंबर हैं। सारा ने मतलब गरीब आदमी में रुपये खा खा गए, मतलब ये करने लग रहे हैं। दूसरी बात ये है, अब 26 तारीख में 12 बजे वहां जाऊंगे, और मेरे मैंने पूछी थी भाई इन तई के लेके जाओ टोकन मनी वगैरह में कुछ तो चाहिएगा ना, देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो कति गांव का गोबर लेकर जाऊंगा मैं, गोशे गांव के गोबर जाके इनको बैठ करें, गांव शुद्ध गांव का मां कसम कति असली गांव लेकर जाऊंगा, मेरे दुर्गा शुद्ध गांव के गोशे गोबर लेकर जाऊंगे, उनका भी कुछ भला हो जाएगा, और वे वैसे भी कोई नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि अपने हरियाणा में कह रहे जो कोई पुंडा को काम करते रिश्ता अच्छा गोबर खा लेता, कह रहे नहीं कह रहे, तो गोबर लेके जाओगे और वो उड़े मिल गया तो फिर कभी खवा खाओगे वो जो भी चेयरमैन होगा, और हम तो पहले उड़ जाएंगे, अरे भाई फिर जो कार्रवाई नहीं हुई 15-20 दिन का टाइम देंगे, फिर मुख्यमंत्री ने पकड़ेंगे, क्यों खाम खाता है मोड़ बंदे घूमने लग रहा है, ईमानदारी ईमानदारी क्या की ईमानदारी, तेरे सरकार दे पेपर दाई लिए कौन है कहते ईमानदारी क्या है, कि ईमानदारी है। तो इसलिए हम तो नौजवान ना दबी नहीं कहेंगे अगर भाई ये ना दे नौकरी के लिए नौकरियां के चक्कर में अपने रिश्ते पिस्ते करा लो, नौकरी के चक्कर में तो कराइयो मना, अपने हिसाब दो सोच समझ के अपना करा लियो, और ये जो अगर मुख्यमंत्री नहीं कहा लट्ठा लो लट्ठा लो, इन तक लट्ठा आने पड़ेंगे, नौकरी मिल लेंगी जब, नहीं तो कोई नौकरी नाकरी किसी ने नहीं मिलनी। डीसी रेट पे मतलब इस सरकार का हिसाब किताब देख लो भाई साहब, के है के पॉलिसी है किसने लगावा है, कौन सा क्राइटेरिया है, जिसकी जानकारी है उससे फर्क के है, के फर्क है, पाछली बोला पाछली सरकार में ये हो जाता थारी में कौन सा नया काम होने लग रहा है, वे पर्ची खर्ची वाले तुम सूट के साड़े हो, इतना ही तो है।
तो हम तो साथियों आप लोगों को ये बतावें आगे, एक तो ये बता दें ये आगे भाई, ये जो रिमांड कमीशन ने जो जो बताई है ना, वह लोगों के बीच में बता दे ये मंत्री कौन है, ये दो अधिकारी कौन है। एक आदमी खा नहीं सकता भाई साहब इतने रुपये, सोच के देख लो, और ऑफिस के भीतर तक कीमत नहीं है। तो भाई साहब अच्छा मेरे तो बताइए किसी ने, जब पहले तो मैंने बताई आपने, उसने ने बताई दो मंत्री हैं जी, फिर उसने बता दिए ना हमें, उसने बता दिए उनको, और दो बड़े अधिकारी हैं, मेरा क्यों था जी, मैं इकला खा लूं, उसने तो नहीं बताई है मंत्री नो नाम कौन है मेरा भाई साहब, मन है दो मुने मन मेरे द्वारा जो जानकारी आई उसने बताई दो मंत्री है, ये तो सरकार का काम है बताओ, रिमांड जब होया है उसने बताई है, महकमा बता दो महकमा भाई साहब, मैं कोई उड़ रिमांड लेनी थोड़ी था, मेरे तो रिमांड दे दो तो लिया, एक घंटे में पूछ लें कौन से मंत्री थे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये पॉसिबल कोई भी हो नहीं सकता, आके इतना बड़ा ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठ के दो दो करोड़ रुपए, एक एक करोड़ रुपए नकद ले ले, और ये जितने भी इससे पहले, क्योंकि हमने जब उसके डॉक्यूमेंट लगवाए थे आप लोगों के बीच में आए थे, हमने बताए थे जो भारत भूषण जो भी था जब था चेयरमैन, तो चेयरमैन ना ही भर्ती नहीं हो रही है, तो ये ग्रुप डी शेयर बीर मास्टर ने क्यों करे ईमानदारी तो भर्ती कर देंगे, हमने तो लागता नहीं, और जो भाई 10-20% इंटेलिजेंट वाला थे वे तो पहले नहीं भर्ती हुआ करते, उनने कौन रोक दिया रखता, ये भी भर्ती हो जाओ है हमने भर्ती कर दी, हमने कर दी, मैंने तो ऐसा कुछ लागता नहीं है। दूसरी भाई साहब एक मिनट प्लीज प्लीज, दूसरी बात ये है कि उसकी एक तो जो संपत्ति का पता चला है उसका, और मेरे हिसाब से मैं तो आप लोगों साथियों से जरूर ये जरूर कहूंगा कि आप लोगों के पास भी बहुत से लोगों के अपने आप आ जाएंगे, बहुत से लोगों ने रुपये दे रखे हैं, बुकिंग पहले कर रखी है उनके रुपया ने, जो ये दलाल है ना पिछली सरकार में दौड़े कुर्ते पजामे वाले दलाल थे, इसमें ये कोई पैंट वाले कच्छे वाले कौन होंगे, या ये दलाल ही है, न्यू के न्यू सेट है, वो पैटर्न बदल गया, रुपये दे रखे हैं ना जिसने भी, सुन लो मैं सब बताऊं, जिसने भी दे रखे हैं रुपये उल्टे नहीं आओगे अपने बेसक उल्टे ले लो, ये सारी तो भर्ती वाले जम्पल जम चल रही कैंसल होंगे, अगले ब्याज खाओगे थारे रुपया का, कोई इस चीज में कोई फायदा नहीं किया, रुपये दे जाएगा, अरे भाई कम तो रुपये का नाम रहेगा ना, दे रुपये भी मारे जाएंगे, इसलिए मैं तो ये है कि भाई उस दिन जाओगे गा का गोबर लेके जाओगे, गोशे लेके जाओगे, क्योंकि मेरे तो एक ताई मिली थी बेचारी, मैं तो मिल गया था, वह ताई ने बोली बोला बेटा इतना भूडा हल कर रखा बालक धक्के खाते पढ़ रहे हैं, तो उनका पेपर क्लियर हो जाए तो ज्वाइनिंग नहीं होती, और देखियो के क्यों रहा है, तू ताई ने मैं ताई दे पूछा माँ ताई के कर सके, हम तो के कर सके, महाराज इतना भी हो सके नहीं, वह बोली भाई यह एक हिल गोबर और गुस्से ले दिए मेरी तरफ से, तो वे दे दिए उनने, उनकी नीत इतने चोर और चुपके आएंगे ना, तो भाई साहब गाँव का शुद्ध गोबर है, ये प्रॉब्लम है, ये गाँव है अपने हरियाणा में दिनों आ रहे हैं गोबर खा ले, खा लिया करनाल का एक डॉक्टर भी था गोबर खाना मनोज मित्तल, तो भाई साहब मैं नुए तो कहूं खा लेंगे, ये बढ़िया है ना, की प्रॉब्लम है गा का है मेरे द्वारा, आपने तो दे रहा है मेरे दर्द का बंद रही है गा के गोबर में, की प्रॉब्लम खाओगे मनोज मित्तल है तो रोज गोबर खाओ, तो इसलिए नहीं गोबर की हम कति कमी नहीं छोड़ेंगे, इंदौर गोबर और गोशे उड़े भरपूर मात्रा में पहुंच जाएंगे, और ये जितनी भी भर्तियां से HSSC की हैं, से HPSC की हैं, ये जितनी भी भर्ती हुई है, अगर यह ईमानदार सरकार है तो भाई इसकी तुरंत मतलब होया करे ना, जिसका तुरंत इस पर एक्शन लेगी, इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज तक होनी चाहिए, अगर ये ईमानदार है टाइम बाउंड होना चाहिए, 2 महीने में हम यह चीज कर देंगे, और नीचे तले ऊपर तक आप देखियो, मैं तो सारी चीज बताओ ही कौन है ना, मछली पकड़ रहे हैं मगरमच्छ बैठे हैं, मछली छिपकलियां ना पकड़ते घूमे हैं, उनका कुछ होता ना है, मगरमच्छ के कौन है जिन मगरमच्छ के नाम नहीं बताते, तो मगरमच्छ ने मेरे ख्याल में पकड़ने चाहिए, बाकी भाई मारते थे जो उसकेगा, मैं तो उस दिन जाऊंगा और जाके एक जरूर मिल काऊंगा, और सबकी रेट लिस्ट पूछ काऊंगा, रेट लिस्ट बता दे भाई कौन सा की लग गए, ताकि हम भी बता दें अपने जो भी है इतने बालक है हरियाणा में बता दें उन्हें, ताकि बेरा बैठ जाए भाई 18 जो छेक नहीं है नौकरी का ना, तो अपना क्यों काम धंधा कर लेंगे यार, नौकरी के बाट में बैठे रहेंगे 10 साल तक ही उनने मिलने नहीं, तो ये था जी 27 तारीख में जाऊंगे, यार 26 शुक्र तारीख शुक्र ने 12 बजे नवीन
ये पैसे तो जिस तरह से लेन देन हुआ है नौकरियों में, ये तो स्पष्ट हो गया है। अब जो लोग जुगाड़ू में जिन्होंने नौकरी ली है पैसे दे दिए, क्योंकि ये पैसा लेना और देना दोनों अपराधी श्रेणी में आते हैं, उन लोगों की नौकरी का क्या मानते हो, क्या मांग करते हो? हम निवेदन कहा है पता करो भाई, कितनी गड़बड़ हुई है। ग्रुप डी का लेर जजताएगी, अरे जजर ये देख लागेगा ओके गदी का फैसला कराया, क्या फैसला करेगा? जज जब रुपये ले लाग रहा है तो वो फैसला करता ही भी रुपये लेगा। नहीं, उनको हटाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। आपके जहन मैं तो न्यू तो कहूँ सारे पकड़ने चाहिए भाई, किसने किसने रुपये देगा, किसने के करा है, ये सारा कर लो ना सरकार में। अगर दम हो तो ये तो इनने जो भर्ती करी है ये भी कर लो, पक्ष दो रही हूँ पता तो कर लो क्यों रहा क्यों नहीं, क्यों ईमानदारी का मोड़ बंद हो, या फिर अपने रेट लिस्ट बता दो, साफ बता दो ये रेट लिस्ट है भाई अपने, ये रेट है हरियाणा पुलिस या पटवारी या सारे रेट लिस्ट बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि हम जब माना ये पारदर्शी सरकार है या पारदर्शी सरकार का मतलब ये है कि वो ये बताए मुख्यमंत्री साहब आकर, आप पटवारी के इतने, सिपाही के इतने, सब इंस्पेक्टर के इतने, जज के इतने, जब बताओ ना पारदर्शी सरकार तो हम तो जब माना है, या के पारदर्शिता पारदर्शिता करे तो उड़े ऑफिस में घोटाले होने लग रहे हैं, इनके सारे के दलाल बैठे हैं भाई, आदमी दौड़े कुर्ते पजामे ना पहनते, उनके दूसरी ड्रेस हो रही बस, और तो कुछ मन नहीं लगता बना भाई साहब, और बाकी नौजवान आदम लठ ठा के खड़े होना पड़ा, और तो कोई रास्ता है नहीं, बाकी डर के जीना आता अपने अपना दिनाक रखे दे जाओ अपने चलाए जाओ, कोई ना होना कुछ कदम चक्कर हम रहते। तो ये आपका जो प्रोटेस्ट होगा ये आप पार्टी के बैनर के नीचे होगा या नवीन जैन का प्रोटेस्ट? मेरा के बैनर है भाई साहब, अच्छी बात करो, नवीन जैन के मैं तो अपना एक लजांगा किसने आपके में मान लो एक लजा मैं उड़ा, मेरे तरफ वो थोड़ी है कि समर्थक है और है मेरे तरफ ना कुछ, अपना एक लजांगा एक अपना वो ये लाल जो भी जिस तरीके से ले जाऊँगा और उड़ा जा रहा उसने दिया आप पार्टी के कार्यकर्ता भी होंगे या नहीं होंगे? भाई मेरे कार्यकर्ता नहीं है, मैं एक लाख बाकी आना आप ना चलना से निकलता हूँ, कोई आवे तो अपना लाइव चल रहा है प्रोग्राम। नवीन जी, मोदी जी ने भी एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सबसे 50 साल के इतिहास में हरियाणा में सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है, तो मोदी साहब पर क्या कहना चाहेंगे? उत्तरीय शब्द झूठे आदमी है, जो जितने ऊपर वो उतना झूठा है, वो उतना है नौटंकीवाद है, वो उतना बड़ा एक्टर है इस राजनीति में, जो जहाँ पे जितने जितने बड़े लेवल पे आप समझो सबसे बड़ा एक्टर है, ये जो हीरो हीरोइन हंड है ना कुछ भी होने की एक्टिंग तक सोचते हो, ये तक देश पर कब्जा कर ले अपनी एक्टिंग करके, एक्टिंग करके तो है इनकी कौन, ये हीरोइन ने कौन बुझे बेचारे फिल्म देख ले इनकी, पांच चार साल आदमी सौ दो से पांच सौ खर्च कर दे, इन्हें पता अपना जीवन बर्बाद कर देगा तो झूठ इस तपटी आपको क्या होगा बता दे मोदी जी, बता दी ओके है भैया, अगर ईमानदार सरकार 50 साल में है तो बताओ प्रूव करो ना इस चीज ने, प्रूव तो ना कर रहे। अनिल विज ने कही है कि 3 कृषि कानून वापस लेगा प्रधानमंत्री का कद और ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ उड़ा लग गया ज्यादा चांद पर उसका कद, अच्छी बात करो भाई साहब, डंडा है चुनाव मार होनी थी जहां पे ले लिए ना तो क्या के उल्टे लगे, अच्छी बात करो जो साची बात है वे तो है, इवन के न्यू आ रहा था कि हाँ हारने भी है ये काम इनके साथ होया है, 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए, सीधी कहावत है इस तो मेरे ख्याल में इस तो बढ़िया कुछ नहीं हो सकती। अरे जब करना था तो पहला कर देता ही, इतने आदमी मरवाने की जरूरत थी उस टाइम पर, तेनू क्या था कि इसमें ये इतना बढ़िया फायदा, अच्छा अगर इतना बढ़िया फायदा था तो ये नुकसान कर दिया इसका मतलब फिर देश का, फिर किसानों का नुकसान करेगा तो। अगर ये फायदा था तो ये क्यों कर दिया, ये खाम खा की बात सा भाई साहब, डर रहे हैं और डर की वजह से ये सारी चीज हुई है, और इसमें आप उन मत सोचो कि उनका कोई धरते परिवर्तन हो गया या उनको कुछ महसूस हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ये खाम खा की बात है, 100 जूते किसान ना हमारे और फिर 100 प्याज खवा दिए बस हो गया। और बताओ जी, हाँ फिनिश।